तो बनती है अब, तो मैंने भी शॉपिंग किया, तो मैं दिखाना चाहती थी कि ये मतलब एक बैक टू स्कूल व्लॉग होएगा, आपकी मर्जी आप जैसा चाहो करो। तो ना मैंने बहुत सारी नई चीजें ली हैं, तो मैं ना वो दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, जैसे बैग्स, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, पेन्स, बहुत कुछ लिया है मैंने। तो चलो आपको इस व्लॉग में दिखाते हैं, पर उससे पहले एक मिनट दे दो मुझे जरा, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो श्रुति की दुनिया को, कि आपको ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स और वीडियोस मिले देखने के लिए, एंटरटेनमेंट तो बनती ही है आप लोगों के लिए। तो चलो दिखाती हूँ मैं, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि बुक्स पढ़ी हैं। तो ना सबसे पहले मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ, मैंने मतलब पूरा स्टडी व्लॉग मैंने बनाया था एक, ठीक है, ये मेरी बुक्स है सारी की सारी, मैं आपको और दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो सबसे पहले ना इसमें मैं मेरी सबसे क्यूटेस्ट थिंग्स जो मुझे बहुत प्यारी लगी है पहले मैं वो बताती हूँ। तो ना ये मेरा पेंसिल बॉक्स मैंने खरीदा था आज, तो ये एक डोरा द एक्सप्लोरर एक शो आता है मेरे को बहुत पसंद है, तो ना ये उसी से रिलेटेड एक मतलब है, बहुत सुंदर है। तो ये ऐसा क्लियर भी है, पीछे से क्लियर है कलर पर्पल में, तो ये बहुत क्यूट सा है, मुझे बहुत प्यारा लगा यार। तो ना ये ऐसे खुलता है, मैं दिखाती हूँ, ये है एवरीवन बॉक्स, बहुत क्यूट है ये। तो चलो इसे ओपन करते हैं, तो ये ऐसे ओपन होता है, मैं दिखाती हूँ। तो ना इसमें मैंने इलास्टिक डाला हुआ है, मैंने इसे इलास्टिक में लगाया हुआ है, रुको मैं निकाल देती हूँ ताकि बेटर व्यू मिले। ओके, तो ना इसके डब इसके टू हैं पार्ट्स, तो ये ऊपर का हिस्सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मेरे पेन्स हैं, ये मैंने न्यू पेन्स लिए हैं और ये भी न्यू हैं, दोनों सारे न्यू हैं। तो ये मेरे मतलब ज्योमेट्री है, बहुत आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से आप फिट हुआ है। सो एवरीवन मैं इसे एक बार आपको ओपन कर दिखाती हूँ। तो ऐसा है ये जोरा एक्सप्लोर का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन्स, वाइटनर, तो इसके एक डबल एरियाज है, ये एक फर्स्ट है, ये सेकंड मतलब आप रख सकते हैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बार। तो इसमें मेरा पेन्स है, ज्योमेट्री सेटअप है, मतलब बहुत सारी स्केल्स और पेंसिल्स, शार्पनर्स, रेजर, बहुत कुछ है, स्केल्स भी है बहुत बड़ी है। तो ये बहुत क्यूट है, मुझे बहुत क्यूट लगा, तो वैसे माँ तो बनता है। तो चलो अब मैं आपको मेरी दूसरी सबसे प्यारी चीज दिखाती हूँ जो हमने अभी अभी ली है। ओके, तो ये एक बैग है, मुझे बहुत मन, जैसा मैंने बोला कि सब कुछ न्यू लेंगे बैक टू स्कूल शॉपिंग में, तो बैग तो वही बनता ही है स्कूल में। तो ये एक रेन कवर है, इसके अंदर मतलब यही रेन कवर है, ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा बैग, वाटर रेसिस्टेंट बैग है, हाँ वाटर प्रूफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब बॉटल भी डाल सकते हैं, बहुत इजी है, इलास्टिक वाला भी है, इस पर लिखा हुआ है टैग पे, तो इसकी जिप्स भी अच्छी हैं, मैं दिखाती हूँ क्लोजर लुक में। सबसे पहली जिप कौन सी है? ये फर्स्ट जिप है, नहीं ये फर्स्ट जिप है, तो ये ऐसे छुपी हुई है ये ना एवरीवन, ये एक सीक्रेट, इसमें ना एक सीक्रेट जिप भी है, ये एक सीक्रेट जिप है। तो आप ना इसे ऐसे ओपन करते हैं, मैं धीरे से करती हूँ। तो ये ऐसे देख सकते हैं कि आप ना यहाँ पर अपना लंच या कुछ भी रख सकते हैं, मैं तो अपना लंच रखने का सोच रही हूँ यहाँ पर, तो एक बहुत ईजी सा है। तो इसमें ना एक और ये पॉकेट है, पॉकेट नहीं जिप है, तो इसमें आप रख सकते हैं अपना लंच या कुछ भी, मतलब कोई भी यहाँ पे पेंस वगैरह रख सकते हैं, आप पेंस रख सकते हैं। और मुझे ना मोस्ट बताऊं, मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब लिक्विड्स लेके जाने में, जैसे वाटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब, तो ना ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें डबल है, तो मैं जूस भी लेके जा सकती हूँ और पानी भी। तो टोटल कितनी जिप्स हैं इसमें? है 1 2 3 4 जिप्स, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। सबसे पहले तो ये वाली जिप है,
उसके बाद फिर ये है, फिर उसके बाद ये है और एक और पीछे है, तो टोटल हो गई 1, 2, 3, 4 जिपर बैग है। पीछे से ऐसा है जैसे नॉर्मल होता है, कुशन टाइप है, 4 zip bag। और साथ में 2 liquid pockets। तो ये बहुत क्यूट है, ये बहुत मुझे पसंद आया। और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जब एक वीडियो में बनाया था हमने कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें मैंने सेम टू सेम इसी कलर की टी शर्ट पहनी थी। अगर आपको मतलब नहीं देखे हो तो मम्मी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगी, आप देख सकते हैं। तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं ना वो टी शर्ट लूँ, इसके साथ पहनूँ और मस्त मतलब स्कूल में स्टाइलिश बनूँ। पर हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये बहुत क्यूट है। तो चलो मैं ना बुक्स पे चलती हूँ, क्योंकि बुक्स विद्या सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने ना बुक्स ले ली थी, मैं लेती हूँ। तो हम ना इनको कवर चढ़ाएंगे सबसे पहले। तो हम ना इनको कवर चढ़ाएंगे, 2 मैंने चढ़ा चुके हैं, तो मैं ना चाहती थी कि एक बड़ी चढ़ाऊँ। तो हमने यहाँ पर कवर्स रखे हुए हैं, ये कवर्स रखे हुए हैं हमने। सो एवरीवन, फर्स्ट आपको करना ये है कि आपको ना जो बुक है उसे ऐसे रख लेना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल साइज जो है, तो आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद ना ये जो पेजेस है तो आप ना उनको ले लीजिए बहुत ध्यान से। एक्चुअली सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक हटाओ और तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो कवर है ये जो सॉफ्ट साइड होता है वो आपका ऊपर साइड आएगा, तो इसको आप ऐसे प्लेस कर लो इस तरह से। उसके बाद आप अपनी बुक रख लो ऐसे बिल्कुल सीधी सी, और उसका एक तरफ खोलो इस तरह से, और इसको ऐसे दबा दो हल्का सा, और देख लो यहाँ का साइज़ और यहाँ का साइज़ इक्वल होना चाहिए, और यहाँ का भी देखो ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, तो थोड़ा सा मैं इधर मूव करूँगी। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हाथों से हल्का सा ऐसे कर लो, और ये पेजेस को हम यहाँ कर लेते हैं, और इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अभी देखो बुक बंद होने के बाद दोनों की तरफ सेम मतलब एरिया है या नहीं, थोड़ा सा इस तरफ कम है, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा बुक को ऐसे मूव कर देंगे, हल्का सा यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो या वहाँ से मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो चुका। अब देख लो यहाँ का नीचे का भी एरिया सेम होना चाहिए, ऊपर का भी एरिया सेम होना चाहिए, और कोशिश करो बच्चों खुद ये काम करने की। ठीक है, तो जसलीना तो कर रही है, मुझे लगा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अब इसके बाद यहाँ दिखाओ, इसके बाद आपको यहाँ से जहाँ से बुक बाइंडेड होती है वहाँ से छोटा सा एरिया कट कर लेना है, स्क्वायर इस तरह से आपको कट कर लेना है। सिमिलरली यहाँ से भी एरिया कट कर लेंगे उतना ही जितना उस तरफ से कट किया है। उसके बाद आप हाथ से ऐसे निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल लो, कोई एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वो बाद में हम सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक साइड से खोल लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लो, और इसको आप इस तरह से सेट करके स्टेपलर की मदद से या गम की मदद से आप इसे स्टेपल कर लो। ये हाथ में चुभना नहीं चाहिए इसलिए मैं स्टेपलर उल्टा रख रही हूँ, नॉर्मली हम ऐसे रखते हैं, इसको मैं ऐसे रखूँगी और स्टेपल कर दिया। देखो इस तरफ दिख रहा है आपको, चुभ जो चीज़ चुभती है उसको यहाँ कर दिया, यहाँ पे स्टेपल हो गया। सिमिलरली यहाँ से भी हम स्टेपल कर लेते हैं, इस तरह से कर लिया, और इसको भी उल्टा करके स्टेपल करेंगे। तो ये भी स्टेपल हो गया, बाकी ये एरिया को भी आप स्टेपल कर सकते हो ताकि हमेशा बुक आपकी सही रहे। दिस इज ऑल्सो डन। इसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं हम, यहाँ से भी आप वैसे सेट कर लो और उल्टा करो ताकि आपको चुभे नहीं दोनों तरफ। ये हो गया, ये भी ASMR की आवाज़ है, ASMR बोलती है जसलीना, पता नहीं ASMR है ASMR, तो आवाज़ कुछ ऐसी ही है। तो इसको भी हम इस तरह से देख लो सारी,
यहाँ से सेट होना चाहिए मेन, ठीक है। और इसको फिर से हम उल्टा करेंगे सीधा, हाँ उल्टा ही है। तो यहाँ से सेट कर दिया, यहाँ से सेट कर दिया। अब बुक तो देखो हमारी हो चुकी है, इसको ऐसे कर लो और इसको दबा लो हल्का सा ऐसे। कोई कोई सेट हो जाएगा, कोई कोई नहीं होगा, उसको इस तरह से करके। अब आप देखेंगे यहाँ से कोई एक्स्ट्रा आपका कवर तो नहीं है बाहर, यहाँ से दिख रहा है आपको हल्का हल्का कवर, इसको आप कट कर सकते हो। यहाँ से तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ से हल्का सा दिख रहा है, इसको हल्का सा मैं कट कर लेती हूँ। तो इसको कट कर लेते हैं जो हल्का यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हमारी बुक रेडी है, ये बहुत सुंदर है। और बाकी भी बुक्स करी है वो दिखा रहा। हाँ दिखा, नीचे है तो ये भी हमने ये भी बुक करी है। ये देखो बिल्कुल सही हुई है ये वाली, ये भी की है हमने दो, ये थोड़ी सी हल्की फुल्की ऐसी हुई है, ये भी हो चुकी है। तो ये कवर हो चुका है। मैं बस एक छोटा सा नोटिस देना चाहती हूँ और थोड़े से स्टेप्स बोलना चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल के ईयर के लिए बेस्ट करें। तो एवरीवन आप सब, आप लोगों को सबसे पहले ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब सबके ईयर स्टार्ट हो रहे हैं, अब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ना उनको आपके, मैं भी स्कूल में जा रही हूँ, सॉरी ओके वो पॉइंट छोड़ दो, वो मैंने गलती से बोल दिया। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोग मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे जैसे अच्छे से नोट्स लिखें, और आप मतलब आपको टीचर होमवर्क देती है या कुछ भी देती है तो आप उसे घर आके रिवाइज करें और कोई भी मतलब चार्ट्स बनाएं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, आप जब पहले दिन स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आप टीचर्स से पूछ लें किस तरह की नोट्स चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ उनसे पूछ लें कौन सी टेक्स्ट बुक आपकी है। एनसीईआरटी जब होती है तो टेक्स्ट बुक आपको पता लग जाती है कि कौन सी टेक्स्ट बुक आपको लेनी है, तो वो आप टेक्स्ट बुक बाय कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो भी चीज़ें टीचर आपको लिखवा रही हैं क्लास में, प्लीज़ उसे नोटबुक में लिखें। और अगर आपको कोई होमवर्क मिल रहा है तो होमवर्क ज़रूर ज़रूर करें, और डेली का हैबिट बना लीजिए। डेली 1 आवर 1.5 आवर आपको बैठना है क्लास में, जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है और होमवर्क करना है। तो यही मुझे बोलना था, थोड़ा सा जसलीना ने गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, चलता रहता है व्लॉगिंग में। सो जसलीना, एनीथिंग यू वॉन्ट टू टेल? नो। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। ये हमारा व्लॉग था, बैक टू स्कूल शॉपिंग या बैक टू स्कूल व्लॉग। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो क्या करेंगे आप, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए हमारे वीडियो को, और कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। अरे मैं बस एक छोटा सा मैम, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देना चाहती हूं जो आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। तो एवरीवन मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये देना चाहती हूं कि एवरीवन, ऐसा हमारा कौन सा वीडियो रहा है जो आपको बेस्ट लगा है अभी तक? मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बस आपसे मतलब मांग रही हूँ ऑप्शन, फीडबैक। फीडबैक यस। तो मेरा तो फेवरेट वीडियो अभी तक रहा है हमारा फर्स्ट वीडियो, उसमें मतलब मैं थोड़ी नर्वस भी थी, थोड़ी एनर्जाइज भी थी बस। तो आप ये कर सकते हैं, जसलीना का क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छा वीडियो अभी तक का हमारे चैनल पे आपको कौन सा लगा है, वो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। तो बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर से मिलते हैं, टाटा।